नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इतने दिन छापर हॉस्पिटल में छापर के राजकीय अस्पताल में डॉक्टरों की बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, जिसको देखते हुए हमने धरना प्रदर्शन भी किया था और राज्य सरकार से बड़ी कोई किसी अच्छे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की मांग भी की थी, जिसके चलते आज एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ओम प्रकाश जी तामराय थे जो इतने दिन SMS हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी थी, जिनका ट्रांसफर करौली था और करौली से आज यहाँ पे ताल छापर के राजकीय अस्पताल में वो ड्यूटी करने आए हैं। उनके आने के बाद मरीजों की इतनी भीड़ लगी है कि छापर के राजकीय हॉस्पिटल के अच्छे दिन वापस से शुरू हो गए हैं, जैसा कि आप सभी को देखने को मिल रहा है। देखिए छापर हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की कितनी भीड़ है, काफ़ी टाइम से यहाँ पे डॉक्टर नहीं थे और इसके लिए मैं सभी गांव के नागरिकों को और मेरे युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने उस दिन हमारे द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन में हम सभी का साथ दिया और सबने मिलकर ये लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में पूरे गांव के नागरिकों का युवा साथियों का योगदान रहा, जिसके कारण आज एक अच्छा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ओम प्रकाश जी के रूप में हमारे यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन की है और जो आज यहाँ पे एक से एक पेशेंट को सबको देख रहे हैं। तुरंत आते ही पेशेंटों की इतनी भीड़ लगी है कि वापस अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य ही सब कुछ है, अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। रोटी कपड़ा और मकान के बाद अगर कोई इंसान की मूलभूत आवश्यकता वो शिक्षा और चिकित्सा। हमारा कस्बा पिछले 2-2.5 महीने से किसी एक अच्छे डॉक्टर के लिए जूझ रहा था और अगर आपके ग्राम में दूसरे गांव से लोग नहीं आएंगे तो न केवल चिकित्सा से हम वंचित रहेंगे वरन दूसरी कई चीज़ों से हम वंचित रह जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से बाबूलाल जी सारडा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया और अपने प्रयासों से अपनी टीम के साथ जाके एक बेहतरीन चिकित्सक को यहाँ पे लेके आए हैं। कोई असुविधा कोई भी सामान अगर आदरणीय डॉक्टर साहब को चाहिए तो हम गांव के लोग सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। हमारे पूरे कस्बे के सहयोग से जो हमने बीड़ा उठाया था डॉक्टर की रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, आज हमको सफलता मिली है और सफलता ऐसी मिली है कि सुजानगढ़ और रतनगढ़ का जो हॉस्पिटल है उस स्तर से भी ऊंचा स्तर का हमारा ये हॉस्पिटल हो जाएगा। 22 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर साहब, सीनियर डॉक्टर साहब ओम प्रकाश जी आज हमारा चिकित्सालय में पदभार ग्रहण कर चुके हैं और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि इस हॉस्पिटल को मैं रतनगढ़ और सुजानगढ़ के हॉस्पिटल से ऊपर लेके आ जाऊँगा और जो इनका अनुभव है उससे कस्बे वालों को फ़ायदा मिलेगा। और आज हम पूरे कस्बे को बधाई देना चाहते हैं और कस्बे से निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ के डॉक्टर अपने परिवार के सदस्य हैं या इनको कोई भी ऐसी सुविधा हो उनको पूरी मदद करें, इस डिस्पेंसरी को सेवा भावना से चमकाएं। इस साल के इलाके के आबादी में आज जो रौनक आई है वो वाकई में सबके चेहरे खिले हुए हैं। सब बधाई के पात्र हो, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन करता हूँ, आप आए हो और मन से आए हो और किसी भी हमारे नगर के ब्रह्मांड की कोई भावना हो बोलने की तो उसका स्वागत करने के लिए, अपनी बात अपने परिवार में अपनी बात कहने के लिए स्वागत कोई भी बोल सकता है। मेरा मानना ये है कि जितनी भी माला आपने मेरे पे डाली है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये पूरा आपको इतना दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। मेरी 22 साल की सर्विस में आज तक कोई भी मरीज बिना संतुष्टि के नहीं गया। मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे से अनजाने में कोई गलती हो जाए, इस बात को आप सभी गौर से सुनेंगे, एक डॉक्टर कभी जानबूझ के गलती नहीं करता। अनजाने में गलती हो जाए तो आप सबसे पहले मुझी से शिकायत करेंगे, क्योंकि आप अगर मुझसे शिकायत करेंगे तो ही मुझ में सुधार होगा, यहाँ सुधार होगा। अगर आपने मेरी शिकायत किसी दूसरे से करी तो सुधार की गुंजाइश हो रही है। हालांकि मैंने आज तक कोशिश करी है, मेरे को मेरे जितने भी मित्र रहे हैं, मैं जहाँ भी रहा हूँ वहाँ से लोगों को मेरे को इतना पार्स नहीं मिला है
कि मेरे को ये आज का प्रोग्राम इतना मतलब वो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी जब वो मानव ये स्वभाव है, अगर कोई भूल हो जाती है आदमी से, अगर आपको कभी भी पता चले किसी भी माध्यम से कि डॉक्टर साहब से ये गलती हुई है या ये भूल हुई है, और मैं पूरे मेरे पूरे प्रयत्न करूँगा कि यहाँ पे जो सुविधा नहीं है अगले एक साल के अंदर अंदर सारी सुविधा जो ये हॉस्पिटल सुल्तानगढ़ और रतनगढ़ को टक्कर देने के लिए तैयार है। बड़ी सुंदर भावना और सुंदर विचार डॉक्टर साहब की हमको अभी मिले हैं, और मैं पूरे नगर की तरफ से डॉक्टर साहब को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल में सिर्फ कमी थी और सिर्फ आपकी ही थी, बाकी सब संसाधन यहाँ पे है। आप एक दिन दो दिन तीन दिन यहाँ रह करके जो संसाधनों की कमी हो